एक मैसेज आया था ऑनलाइन जॉब के लिए, तो फिर मैं वो करने में ही इतना ये हो गया, इन्वॉल्व हो गया कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे अकाउंट से कब पैसे निकल गए। पता कर सकते हैं कि ये पैसा कौन से अकाउंट में गया है या फिर फ़ोन कहाँ पे है वो ट्रैक कर सकते हैं, और कौन सा अकाउंट में पैसा गया हो उसको ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके हक मतलब हक में है, और वो तो यही है कि आप डरिए नहीं और आगे आइए, और अगर ऐसा हुआ है तो बेझिझक आके अपना FIR कीजिए और GD कीजिए, ताकि आपको भी आपका पैसा वापस मिल सके और आपको ये पता चल सके कि ये तो करना एक्चुअली गलत है, साइबर फ्रॉड जो भी है, और इसको करने वालों को भी सजा मिल सकती है। अगर साइबर ठगी के शिकार हुए मोहम्मद इमरान नामी युवक के चेहरे पर आई खुशी जब एक साल बाद युवक का पैसा मिला वापस। आपको बता दें, कमट्टी थाना के अंतर्गत रहने वाले मोहम्मद इमरान को मार्च के महीने में 2023 में ऑनलाइन जॉब के लिए ऑफर आए। युवक को जॉब के ऑफर मिलते ही काफ़ी खुशी हुई और खुशी के चलते उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की। बाद में एहसास हुआ कि वह ठगी के शिकार हो गए हैं और उनके अकाउंट से तकरीबन 4 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई है। उन्होंने कमट्टी थाने में इसकी FIR दर्ज करवाई, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। एक साल के बाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और इमरान के पैसे हुए वापस। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में, पैसे मिलने के बाद इमरान ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। घटना हुई थी लास्ट ईयर 24 मार्च 2023, और ये ऑनलाइन मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया था। ये एक्चुअली मुझे एक मैसेज आया था ऑनलाइन जॉब के लिए, तो फिर मैं वो करने में ही इतना ये हो गया, इन्वॉल्व हो गया कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे अकाउंट से कब पैसे निकल गए। ये टोटल हुआ था अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 लैक्स। अभी रिकवरी मेरे पास 2,44,000 हो गया है, और 40,000 और इन पाइपलाइन है, वो एक हफ्ते में आ जाना चाहिए। घटना को तो 1.5 साल हो गया, और मैं थाना में रिपोर्ट किया था 5 दिन के बाद ही जब हुआ था, तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा कश्मकश में था कि रिपोर्ट करूं या ना करूं या छोड़ दूं। फिर मन में ऐसा ये हुआ कि नहीं, मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये शायद कुछ ऑप्शन मिल जाए, मुझे कुछ मौका मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि हाँ शायद रिकवर हो जाए इंशाल्लाह। उनके लिए सबसे बड़ा एक मैसेज ये है कि कभी भी डरिए नहीं, पुलिस आपकी हमें हेल्प के लिए हमेशा खड़ी है, और साइबर बंधु जैसे अभी लॉन्च हुआ है, तो इसके माध्यम से इसके तरीके से जो अगर बहुत सारे लोगों को रिकवरी हुई है, मेरी भी हुई है, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसका भी ऐसा अगर हुआ है सामने आइए और आके अपना रिपोर्ट FIR कीजिए या फिर GD कीजिए जो भी हो, और पुलिस ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेगी और आपका पैसा रिकवर करने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप कुछ खुद से कुछ नहीं कर सकते, आपको पुलिस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो। कम्युनिटी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स जैसे हमारे उमेश सर हैं और हुई बाबू हैं और सोमनाथ सर हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और टाइम टू टाइम मुझे अपडेट भी देते रहे कि क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है। उसके बाद जब अल्टीमेटली जब इन्हें पता चला कि अकाउंट में कुछ पैसे मिले हैं, तो फिर मुझे तुरंत कॉल किया और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, आप कोर्ट से ऑर्डर निकलवाइए और हम लोग इसको फिर आपका पैसा रिटर्न करेंगे, और जो कि हुआ ऐसा, और विद इन 1.5 साल बाद हुआ, लेकिन जैसे ही पता चला उन्हें कि ऐसा अमाउंट है किसी अकाउंट में, तो 2 वीक्स के अंदर मेरे पास वो पैसे वापस आ गए मेरे अकाउंट में। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, ये तो काफ़ी इम्प्रूव दिखता है अभी, और पहले से ज़्यादा ही इम्प्रूव हो गए हैं, और इक्विपमेंट्स भी हैं इनके पास,
ताकि वो पता लगा सके, इनके पास सारे सुविधाएं हैं जिससे पता कर सकते हैं कि ये पैसा कौन से अकाउंट में गया है या फिर फ़ोन कहाँ पे है, वो ट्रैक कर सकते हैं और कौन सा अकाउंट में पैसा गया है उसको ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके हक मतलब हक में है और वो तो यही है कि आप डरिए नहीं और आगे आइए, और अगर ऐसा हुआ है तो बेझिझक आके अपना FIR कीजिए और GD कीजिए ताकि आपको भी आपका पैसा वापस मिल सके और आपको ये पता चल सके कि ये तो करना एक्चुअली गलत है, साइबर फ्रॉड जो भी है, और इसको करने वालों को भी सज़ा मिल सकती है अगर